प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आज का फिर एक दिन के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। हर बार उसका धन्यवाद करना जरूरी है, क्योंकि दाऊद कहता है कि हे मेरे मानी प्रभु धन्य है, उसके किसी को काल पर ना भूलना। वो कर मेरे भाई बहुत है परमेश्वर के, जो गिने नहीं जाएंगे, है ना। और प्रभु धन्यवाद है, आज मेरी प्रार्थना उनके लिए है जो मुझे प्रार्थना निवेदन दे चुके हैं, देते हैं। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ चीज़ के लिए कि यीशु जो मैं जुड़ने से आपका धन्यवाद हो, और परमेश्वर धन्यवाद हो कि वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है। और यीशु चुंगाई सभा दिल्ली में जो है, और आप बहुत लोग से जुड़ रहे हो, मेरे ग्रुप में बहुत भाई बहन है जिनके रिक्वेस्ट पर परमेश्वर के निवेदन की आती प्रार्थना निवेदन जिस पर मेरे पास आते हैं और फोन कॉल आते हैं, मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ। उस काबिल भी परमेश्वर ने मुझे बना रखा है कि प्रार्थना के द्वारा आप लोगों को छुटकारा मिल रहा है, और बहुत परमेश्वर आशीर्वाद कर रहा है हमारे इस यीशु चंगाई सभा के द्वारा, क्योंकि जिसको परमेश्वर अभिषेक करता है वो चंगाई सभा, वो हील मिनिस्ट्री परमेश्वर की ओर से आगे बढ़ती है, किसी मनुष्य के आगे नहीं बढ़ सकती। अगर मनुष्य सोचे कि मैं अपने दिमाग से या अपनी ताकत से किसी प्रार्थना का घर खोलो या प्रार्थना सभा में आयोजन करूँ, तो नहीं हो सकता मेरे लिए। मैं भी बहुत पीछे था, लेकिन आज परमेश्वर मुझे आपके सामने करा, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का कमाल है मेरे भाइयों, ये परमेश्वर की उस पावर का कमाल है, उस अनुग्रह का है जो आप और हमारे में है। लेकिन बस परमेश्वर दासों को चुनता है अलग अलग। तो मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ, और मैं एक चीज के लिए और प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि आप जैसे भाई बहन हमसे जुड़ रहे हैं और आशीष पा रहे हैं, क्योंकि मेरा तमन्ना यही है, मुझे भीड़ की जरूरत नहीं है। मेरी तमन्ना बस यही है कि जो लोग हमसे जुड़े पर मैं उनको परमेश्वर से जोड़ सकूँ उनके वचन के द्वारा, है ना। इंसान इंसान जुड़ने कुछ नहीं हो सकता मेरे भाइयों, है ना। केवल एक भरोसा क्या होता है कि नहीं मैं जुड़ गया, नहीं मेरे से, हमें परमेश्वर के वचन से जुड़ना है, ताकि हमारे हम मैं हूँ ना हूँ, लेकिन ये वचन आपके पास हमेशा रहेगा। आपको ये सीखनी है, बाइबल सीखनी है, पाक कलाम सीखना है, ये होना बहुत जरूरी है। और यही है, और आपका मैं बहुत परमेश्वर का आभारी हूँ कि परमेश्वर जो भी परमेश्वर के दास बोलते हैं मेरे, चाहे वो मेरे घर वाले हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी परमेश्वर के दास होते हैं, वो परमेश्वर को सच साबित करता है। आज मेरी प्रार्थना उन्हीं के लिए है जो फोन करते हैं, कॉलिंग करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, फेसबुक करते हैं, मैसेज की भाई प्रार्थना करना बड़े विश्वास के साथ करते हैं। लेकिन मैं उसे कहूँ भाई, कभी भी आप बेशक मुझसे कह रहे हो भाई, आप मुझसे कह रहे हो कि भाई प्रार्थना करना, लेकिन कभी भी ये मत सोचना कि मैं कोई चंगाई दाता हूँ। हमारा एक ही चंगाई दाता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसके नाम के द्वारा परमेश्वर पिता हमें चंगाई, छुटकारा और हर प्रकार के अंधकार से दूर करता है, उसके ही नाम पे। और ये मत सोचना, बस ये हमेशा ये कहना कि भाई प्रार्थना करना, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप अनुग्रह पाए हो, है ना। तो यही चीज है, हमें मनुष्य पे नहीं परमेश्वर भरोसा करना है, यही हमारी टीचिंग है, यही है। और मैं बहुत आभारी हूँ जो यीशु मैं सुन रहा है। देखिए, और एक बात और है कि जितने भी मुझे देखते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं यही है कि प्रभु सब जितने भी देखते हैं, जितने भी मेरी आवाज जहाँ तक जा रही है, परमेश्वर अनुग्रह उनके तक पहुंचे, छुटकारा मिले, पापों के बंधन से न जाए और हर प्रकार की मुसीबतें से न जाए। मैं बहुत देखता हूँ, बहुत मैसेज आते हैं, बहुत रिक्वेस्ट आती है, प्रार्थना निवेदन आते हैं, ऐसे प्रार्थना निवेदन आते हैं कि वाकई में रोने का मन करता है कि प्रभु कैसे कैसे शैतानों ने डैमेज कर रखा है लड़कियों को, लड़कों को, और घर में टूटन है, माँ बाप में नहीं बन पाती है, बच्चों में नहीं बन पाती है, हर जगह शैतान का काम कर रहा है हर जगह। प्रभु वहाँ पे वचन भेज अपना, प्रभु वहाँ पे अपनी आत्मा भेज, और परमेश्वर आत्मा भेजता है। तो मेरे भाई, मेरे बहनों, परमेश्वर के प्रेमियों, तो आपके लिए वचन है, और जो रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं, हर कोई, हर किसी घर में कहीं ना कोई दिक्कत आती है जो मेरे पे निवेदन का, सभी के लिए। आप ही सोचते होंगे कि भाई प्रार्थना नहीं करते या सबके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बड़े बुजुर्ग, मैं जो जो आप रिक्वेस्ट देते हो मुझे, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। डेली प्रार्थना हो रही है पापा, सुबह 5 बजे से स्टार्ट पर हम प्रार्थना करते हैं पापा, सुबह 5 बजे से स्टार्टिंग करते हैं प्रार्थना, और रात तक प्रार्थना चलती है। ऐसा कोई नहीं है जो प्रार्थना ना करता मेरे घर पे, हमारे घर सब प्रार्थना करने वाले हैं, सारे प्रार्थना करते हैं। हमारा एक ही फोकस है, यीशु चंगाई सभा कोई चर्च नहीं, एक परिवार है, एक परिवार के तरह प्रार्थना की जाती है। आप लोगों के लिए आए भर भर के प्रार्थना, तरस से भर कर प्रार्थना की जाती है मेरे अजीजो। तो आप ये ना सोचे कि आपके लिए प्रार्थना नहीं हो रही है, बेशक ये आपको लगता होगा कॉलिंग, तो जब लोग ज्यादा जुड़ते हैं तो बिजी इंसान हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम बिजी हो गए तो अब तक फोन नहीं करेंगे। मेरी जो इच्छा रहती है कि नहीं, मैं आप तक बात करूं, आपसे रूबरू मिलूं, और जब भी आपने कॉल करा होगा, अगर मैंने नहीं उठाया तो मैंने बैक कॉल जरूर करी मेरे भाई। मैं जानता हूं क्योंकि मैं इस दर्द से, इस बीमारी से, पाप से गुजर चुका हूं, मुझे पता दर्द क्या होता है, मुझे पता है पाप की आजादी क्या होती है। आज मुझे अनुभव है आज का पाप की आजादी का, परमेश्वर को मैंने जब उद्धार करता माना है, आज मैं फ्रीडम रखता हूँ, तभी तो बोल पा रहा हूँ।
तो मेरे से इसलिए और मैं यही कहूंगा कि सबके लिए प्रार्थना हो रही है, जी जान से प्रार्थना करते हैं ये शिक्षक का सभा, एक परमेश्वर दिया हुआ एक परिवार है आपके लिए, हम प्रवर परिवार बनकर प्रार्थना करते हैं। मेरी बहन दुखी है, मेरे भाई दुखी है, मेरे माता पिता दुखी है, उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं और दिन रात प्रार्थना होती है। और ऐसा हो नहीं सकता कि जब इतनी प्रार्थना हो तो आपको कोई छू ले, कोई शैतान छू ले, कोई दुष्ट आत्मा छू ले, बीमार छू ले, आपके घर में जो भी होगा वो जाए, एक दिन वो आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो इसलिए आज हम वचन पढ़ेंगे और वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देगा। इस वचन में हम निकालेंगे, पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए प्रभु जी, जो भी तूने मुझे वचन से बात करता, मैं नहीं बोलता, तू ही बोलता है इस समय पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता प्रभु। मैंने आपसे पहले भी कहा था और आप मेरी बात हमेशा सुनते प्रभु जी, इन भाई बहनों के लिए पिता जो वचन तूने दिया है आज मैं पढ़ूं तो आज छुटकारा, आज उनका रोना बंद कर देना नेम ऑफ जीसस। वचन के द्वारा प्रभु इस वचन पे आशीष दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम पढ़ेंगे यर्मिया 31 का और 31 का पढ़ेंगे 16, यर्मिया 31 का 16। यहोवा यूं कहता है, रोने पिटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वह शत्रु के देश से तुझे लौटा ले आएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं पढ़ूंगा, यहोवा यूं कहता है, रोने पिटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वह शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, बहुत धन्यवाद। मेरी बहन, मेरे भाई, परमेश्वर की प्रेम, आज आप आंसू बहाने से रुक जाओ, आज आपका प्रतिफल है, आज परमेश्वर आपसे डायरेक्टली बात कर रहा है। परमेश्वर वचन की तरह जब बात करता है तो परमेश्वर अद्भुत है। आज आप किसी बुरी जगह फंसते हो, परमेश्वर आपको आजाद करेगा। आज आपके पति आपको छोड़कर चले गए, परमेश्वर उसको लेके आएगा, सुधार के लाएगा। आज आप निसंतान, परमेश्वर आपको संतान देगा। आज आपके पास नौकरी की, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आज आपकी शादी रहेगी, परमेश्वर खुश करेगा। आप जितने भी आंसू बहाने वाले मेरे भाई, मेरे भाई रुक जाओ, परमेश्वर का, परमेश्वर आपके आंसू को रुकने के लिए कह रहा है, आपकी प्रार्थना का फल मिलने वाला है। फिर पढ़ूंगा, यहोवा यूं कहता है, रोने पिटने आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। बहुत रोले आप, बहुत आंसू बहा ली, क्योंकि शैतान ने जितना रुलाना था आपको रुला दिया, लेकिन अब नहीं, अब परमेश्वर की बारी है, अब आपके घर में आशीष आने वाली है। मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन आपको रिसीव करना है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, मेरे नाम से कुछ मत करना। ये कह रहा कि भाई ने बोल दिया, नहीं, परमेश्वर जो बोलता है वचन के अकॉर्डिंग, और वचन से जो बोलेगा वो परमेश्वर की ओर से बोलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए आज आपको यह बांधना है, परमेश्वर कहता है यह बांध, दृढ़ हो जा तेरा मन का चाना। आज मेरी बहन बहुत रो लिया, मेरे भाई बहुत रो लिया, फिर बीमारी से, अपनी परेशानी से, कोई घर में किसका पति छोड़ चला गया जब रो रहा है, किसी पति छोड़ चले गए जब रो रहा है, शादी ना होने के कारण, बीमारी के कारण रो रहा है, औलाद ना होने के कारण रो रहा है, औलाद बिगड़ गई उसके कारण रो रहा है, माँ बाप दुख, माँ बाप छोड़ गए उसके कारण रो रहा है, आज अकेला कोई महसूस कर रहा है, आज अपना घर में कोई अकेला महसूस कर रहा है, पूरा परिवार एक दिन कोई अकेला बैठा हुआ है, आज उनके लिए वचन है, आज रो लिया, रोने वालों मत रो, मेरा यीशु जिंदा है, आपका यीशु जिंदा है, नेम ऑफ जीसस। आज आपको बहुतायत से परमेश्वर आशीष देगा, आज आपके बंधनों को परमेश्वर तोड़ देगा, नेम ऑफ जीसस। आइए हम प्रार्थना करें, अपने घुटनों के बल आगे प्रार्थना करें, और जो जो भाई बहन बहन अपने घुटनों के बल आ सकती है, और जो माँ बाप बुरे हैं वो नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, वो वहां बैठ के प्रार्थना करें, लेकिन जो आ सकता है घुटनों के बल, आज घुटनों के बल आगे प्रार्थना करें, परमेश्वर आपसे डायरेक्टली बात कर रहा है। बहुत धन्यवाद करते हैं स्वर्ग पृथ्वी के मालिक, स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले सृजनहार का धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, क्योंकि इस वचन को इन भाई में पूरा कर, बहनों में पूरा कर, उनके परिवार में पूरा कर पिता, पिता परमेश्वर मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप और फेसबुक पे बहुत रिक्वेस्ट मेरे पास आती है, आज प्रभु जी उन पे एक एक करके प्रार्थना सुन प्रभु जी, किस में कर्जा है परिवार में, आज जिसने इस परिवार में कर्जा है, कर्जे के जो निवेदन मेरे पास आया है, आज वो कर्ज के नामांकन का कारण रो रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का रोना रोक दे, मत कर्जा तार देना नियम प्रभु जी पिता, और जिनकी निवेदन मेरे पास पति के दूर जाने से आ रही है पिता, वो बहन रो रही है पिता परमेश्वर, का रोना रुक जाए पिता परमेश्वर, और प्रभु और पिता परमेश्वर के पति को लेके आ पिता, आज वो भाई पिता परमेश्वर प्रभु जी पत्नी के जाने से रो रहे पिता, आज प्रभु जी वो रुक जाए और उनकी पत्नी उनके घर बन जाए पिता परमेश्वर, जुड़ जाए प्रभु जी, आज मेरी बहन पिता परमेश्वर जो गलत कदम उठाने के कारण हो रही है, जिनके साथ धोखा किया गया है, और जो पिता परमेश्वर प्यार प्यार कहते कहते चीट किया गया है, आज वो बहन रो रही है पिता, कि उनका कोई नहीं है, आज प्रभु यीशु मसीह उनको रोक ले कहता नहीं,
प्रभु यीशु मसीह आज जब से प्यार करता है, ये मत सोचना कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार कर रहा है। आज कोई एक घर में अकेला आपको पुकार रहा है, वो अपने फ्यूचर को देख के डिप्रेशन में, अपने आप को देख के डिप्रेशन, अपनी मम्मी को देख के डिप्रेशन में, अपना फ्यूचर देख के डिप्रेशन में है। आज गेस्ट को जो प्रार्थना निवेदन मेरे पास आ रही है, चाहे वो भाई या बहन, प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है, रुक जा, मैं तेरा भविष्य हूँ, परमेश्वर तेरा भविष्य मेरी बेटी, परमेश्वर तेरा भविष्य मेरी बहन, मत डर, परमेश्वर विश्वास है, वो दृढ़ करेगा, वो चट्टान को छेद देता है, उसके बोलने से तो आकाश पर हिल जाती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज पिता परमेश्वर जो बीमार है, जिनकी मम्मी बीमार है, जिनके पापा बीमार है, और पिता जिसकी पिता परमेश्वर जो जिनकी पत्नी बीमार है, बच्चे बीमार है, खुद बीमारी है, चाहे वो किडनी की प्रॉब्लम, चाहे प्रभु जी पूरे शरीर, प्रभु जी पिता चल ना पा रहा हो, पिता परमेश्वर ओ प्रभु जी पिता चाहे कैंसर चाहे एड्स कोई भी बीमारी क्यों ना हो, और जिनकी निवेदन प्रार्थना निवेदन मेरे पास आई बीमारों की, पिता आज बीमारों को मैं कहता हूँ रुक जाओ, रोने से तो परिवार से रुक जाओ, क्योंकि आज आपके घर में चंगाई आ रही है, नेम ऑफ जीसस लॉर्ड रिसीव करें, बोले यीशु मसीह के नाम से हां और आमीन, बोले यीशु मसीह के नाम से आमीन, बोले यीशु मसीह के नाम से आमीन। बीमार पिता आज बीमारी मरण से या बदल लिया ना नहीं, आज आपका शोक आनंद में बदल लेना नहीं है, आज आपका शोक आनंद बदल लेना नहीं है जीसस पिता परमेश्वर। और जिनके घर में दुष्ट आत्मा है, जो निवेदन मेरे पास आए, और जिनके घर में जाओ क्यों ना बीमारियां दुख तकलीफ, अब यीशु मसीह दूर कर देता। और पिता परमेश्वर ऐसे निवेदन मेरे पास आ रहे हैं जो एग्जाम वाले हैं, और बहन है भाई पिता परमेश्वर जो नौकरी करने वाले, उन दोनों निवेदन को मैं एक साथ रखना सकता हूँ, नौकरी में अच्छी लगे पिता परमेश्वर, और प्रभु जी पिता और एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो, जो याद नहीं कर पा रहा है, जो प्रभु जी सोच नहीं पा रहा है, जो प्रभु जी प्राइवेट प्रभु जी डल हो गया है पिता, आज प्रभु जी को बुद्धि से बदलना नहीं हो जाए, बुद्धि से बदल, और जो नौकरी को बार बार जा रहे हैं आज मार्ग खोलना नहीं मस्जिद, अब प्रभु जी अपने आशीष के मार्ग पर पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस पिता, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सेना का प्रभु पिता यीशु राजा पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद, ओ प्रभु पिता, पिता परमेश्वर बहुत से ऐसे बहने, बहुत से ऐसे भाई पिता जो शादी करना चाह रहे लेकिन हो नहीं पा रही, आज प्रभु यीशु मसीह उन मार्ग को खोले, उनके लिए रिश्ता आए और शादी उनके जीवन में एंट्री करे पिता, और प्रभु जी पिता निसंतान बहने जो मुझे फोन करके मैसेज करके कह रही है पिता, पिता परमेश्वर आज उनके घर में प्रभु जी आशीष के तौर पर उनको संतान दे पिता, अद्भुत रीति से पिता, और जिनके डिलीवरी होने वाली पिता वो बहने फोन जिन्हें मुझे बताया है पिता परमेश्वर, उनकी कोई प्रॉब्लम ना होने पाए पिता, प्रभु जी जो संतान होने पाए वो अद्भुत होने पाए पिता परमेश्वर, या मसे रहन कर जाया कर पिता, और प्रभु जी पिता हर एक भाव में आशीष दे पिता, प्रभु आज इनसे अपना वचन को पूरा कर दे जीवन, इनके जीवन में पूरा कर दे पिता, मेरे भाई मेरे बहन रो रो के थक गए, मेरे माता पिता मेरे घर वाले रो रो के थक गए, मेरे प्रभु आज तो वचन को पूरा कर दे, यहोवा यीशु मसीह के नाम से कहते रुक जा, तेरा परीक्षण का फल मिलने वाला है, ओ प्रभु का धन्यवाद करते, प्रार्थना सुनिए धन्यवाद करते, एक एक जन को मैं प्राप्त कर सकूं, ओ पिता परमेश्वर हर एक कंडीशन, हर एक ऐसे रिलेशनशिप में जो गंद रिलेशन में है, जो छोड़ना चाह रहा है नहीं छूट पा रहा है, चाहे वो बहन हो चाहे भाई हो चाहे बड़े हो चाहे बुजुर्ग हो, एक ऐसे बंधन में है जो छूटना चाह रहा है नहीं छूट पा रहा है, चाहे बुरी आदत में क्यों ना हो, पर वो यीशु मसीह वो रो के प्रार्थना कर रहे हैं, जो आज छुटकारा मिलना नेम ऑफ जीसस, हर पूरे चाहे व्यभिचार की आत्मा आपके अंदर हो, चाहे सिगरेट तमाम गुटखा के हो, चाहे अश्लीलता देखने की आदत हो, चाहे कोई भी क्यों ना, चाहे ऐसे रिलेशन में जो ना होना चाहिए, पर वो यीशु मसीह के नाम से उन सारे पाप के बंधन से आजाद कर रहा ना नेम ऑफ जीसस, और रिसीव करे बोले आमीन, रिसीव करे बोले आमीन, पर वो यीशु मसीह के नाम से जो हम रिसीव करते हैं वो हमें मिलता है, क्योंकि उसका वचन कहता है मांगो दिया जाएगा, पूरी आज पिता परमेश्वर, और जो मिनिस्ट्री में है उनको भी आशीष दे भरे पिता, और जो होली स्पिरिट के प्रार्थना करे जा रहे पब जी, आज होली स्पिरिट उनके पब जी ऊपर ठाए जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने होली स्पिरिट पे, और जो मन बुद्धि के लोग पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर जो मुझसे कह रहे कि मैं बोल नहीं पाता हूँ, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, और प्रभु जी जिसके परिवार में कोई बेटा है और जो दिमाग से नहीं सोच पाता है, जो सही नहीं है, आज प्रभु जी तो बुद्धि और उनके विवेक को सही कर देना नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस, भर दे यीशु मसीह अपनी पवित्र आत्मा से, भर दे पिता, टच इन पिता परमेश्वर, लेकिन जो छू लेना नेम ऑफ जीसस, अभी छू, ओ प्रभु जी बीमारी जा रही है, डार्कनेस जा रही है, नेगेटिव सोचे बुरी सोच जा रही है ना नेम ऑफ जीसस, बीमारी को जारी ना नेम ऑफ जीसस, प्रभु तेरा दास होने का जो बोलूंगा वो तू बोलेगा, और आग उतर रही है जीवन ना नेम ऑफ जीसस, आग उतर रही है पिता परमेश्वर, हर एक बंधन हर एक श्रॉप टूट रहा है ना नेम ऑफ जीसस, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, और सब कुछ चंगाई देने के लिए धन्यवाद,
पूरा धन्यवाद करते हो प्रभु जी, जो प्रभु जी ता तेरे यीशु चुनाई सभा में पिता परमेश्वर दान देना चाह रहे हो, शतान को रोकना है उनको तोड़ यीशु मसीह के नाम से शतान को पिता, और दूर गंदा बंधन को पिता, और जिन्होंने पहले दिया था पिता परमेश्वर आज वो भी आशीष पा रहे यीशु मसीह के नाम से पिता, और प्रभु पिता जहां जहां की आवाज जा रही है वो सब छुटकारा पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रातः सुन के धन्यवाद, और इनको छुटकारा देने के लिए धन्यवाद मांगते मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु का धन्यवाद है इस प्रार्थना को सुनने के लिए, इस प्रार्थना को परमेश्वर ने आंसर दे दिया है, आप खुद चेक करें, परमेश्वर पिता आपको आशीष दे। ओ प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना को सुनने के लिए, प्रभु आशीष देने के लिए धन्यवाद, छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, और प्रार्थना का आंसर देने के लिए मांगते मसीह के नाम से। प्रिय भाई बहनों प्रभु का धन्यवाद कि प्रार्थना का जवाब परमेश्वर का आपको विश्वास से रिसीव करना है, और परमेश्वर बड़े काम कर सकता है, अनडाउटली वो कर सकता है जो हम सोच नहीं सकते। परमेश्वर पिता आपको बहुत ऐसे आशीष दे, आप चेक करना, यकीन मानिए छुटकारा आपको मिल चुका है, विश्वास जितने निवेदन मेरे पास आए परमेश्वर ने एक जन को छुआ है, टच करा है, आप चेक कर सकते हैं, खुशी की खबर आपके घर में आने वाली है, आप तैयार हो जाइए रिसीव के लिए। और प्रभु धन्यवाद करते हैं, और मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ जो पिछले महीने जिन्होंने काफ़ी ऑफरिंग दी है, मैं सपोर्ट करी है यीशु चंगाई सभा के लिए, मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ उनके लिए, उनको प्रभु आशीष दे, बढ़ते दे, और जो देना चाहते हैं उनके लिए स्वागत करते हैं, क्योंकि ये कोई एहसान नहीं है किसी भी देना, ये आप अपना बोझ देते हैं, अपनी खुशी से देते हैं, तो ये परमेश्वर का प्रतिफल है, परमेश्वर किसी का उधार नहीं रखता है, आप हमें नहीं दे रहे, आप अपनी खुशी से जो देते हैं परमेश्वर का रिवर्स करके दोगुना चौगुना आपको देता है। प्रभु धन्यवाद, क्योंकि सबको दिया उसी का है, और मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों का कि परमेश्वर ये आप लोग यीशु चंगाई सभा अपना मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं, उससे जुड़ते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं फिर कहूँगा आपको, आपको पता ही है जो भी ऑफरिंग जो भी है आप दे सकते हैं, मैंने आपको कल भी आपको सेंड किया था, बहुत लोग आगे बढ़े, और पिछले महीने भी दिसंबर के महीने बहुत लोग आगे बढ़े, और परमेश्वर सबको ब्लेसिंग कर रहा है, आपको फिर ब्लेसिंग कर रहा है, और ये वचन के अकॉर्डिंग मैं बोलता हूँ मिला के 3-10 से, इसलिए क्योंकि जो ये आप देते हैं ये बीज बोते हैं, और बीज परमेश्वर के लिए दिया हुआ कभी भी खाली नहीं जाता, आप आजमा के देखे परमेश्वर परख कर देख फिर ऐसे करते, मैंने ही वचन कहता है, और वचन जो कहता है वो सत्य वचन होता है। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे, फिर मिलेंगे, आज छुटकारा है, अब नेगेटिव सोच नहीं लेना, ये मत कहना होगा या नहीं होगा, परमेश्वर ने अद्भुत कार्य करा है आपके जीवन में, वो कार्य करा है जिसके लिए आंसू बहा रहे थे, अब आप आंसू बहाने जरूरत है, मिरेकल आपके पास है, आज मिरेकल नाइट है, परमेश्वर पिता आपसे बात कर रहा है, नाम ऑफ जीसस, हर ऐसी शक्ति जो पैरों को बांधती है आज टूट गई है, परमेश्वर ने अद्भुत करा है आपके साथ, आप ऑन द स्पॉट चंगाई मिली है, ऑन द स्पॉट आपको छुआ है, और गवाही अपने देने से रुके ना आप, ये ना सोचे नहीं नहीं आप चल कर देखे, ट्राई करें, परमेश्वर कहता है एक बार ट्राई तो कर, परख कर देख, परमेश्वर कहता है एक बार ट्राई करो, आप परमेश्वर आपको छुआ है ना नहीं बोले, पवित्र आत्मा आपका कोची है, पवित्र आत्मा ने आपको छुआ है, आप ट्राई करो, परमेश्वर आपने छू रहा है, आपको अभिषेक हुआ है आपके ऊपर, आपके बंधन तोड़े गए ना नहीं मुझे, एक इंसान नहीं एक परमेश्वर का भक्त कह रहा है, और जो परमेश्वर दास कहता है वही होता है, क्योंकि वचन कहता है मेरे भाई मेरे बहनों परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाता है, जब वो किसी दास को देता है तो वो 110% पूरा होता है, और परमेश्वर ने कहा है कि वो चेक करो मेरे भाई, चेक करो मेरी बहन, परमेश्वर आपको छुआए था नेम ऑफ जीसस, आज आपके घर में आजादी आई है, उस आजादी को रिसीव करें, परमेश्वर पिता आपको आशीष दे, जय मसीह।